अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी एग फिंगर। ये बहुत इजी यमी एंड जल्दी प्रिपेयर होने वाली रेसिपी है। आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होगी। 6 to 7 एग्स, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून ऑल पर्पज फ्लावर यानी मैदा आटा, 2 स्मॉल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, ब्रेड क्रम, चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, 1 चॉप्ड ऑनियन। सबसे पहले हम एक बोल में एग, ऑनियन, कोरिएंडर लीव्स, रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा मिक्सचर अब रेडी है, इसे अब हम स्टीम करेंगे। अब हम हमारा स्टीमर सेटअप करेंगे। हम हमारे स्टीमर में 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इडली मेकर लेंगे, इसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब हमारे मिक्सचर को हम इसमें ट्रांसफर करेंगे। अब इसको हम स्टीम करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। अब इसको क्लोज कर देंगे। जब तक हमारा एग स्टीम हो रहा है, हम एक प्लेट में एग को बीट कर ले लेंगे, ब्रेड क्रम ले लेंगे और कॉर्नफ्लावर और मैदे का स्लरी बना लेंगे। अब हमारा मिक्सचर अच्छे से स्टीम हो चुका है। अब हम इसे डीमोल्ड कर कट कर लेंगे। अब ये ठंडा हो गया है, अब हम इसको शेप दे देंगे कट कर ऐसे। अब हम इसे फ्राई करने के लिए लेंगे। अब हमारे फिंगर को हम स्लरी में मैदे आटे की ऐसे डीप कर लेंगे, देन एग में एक बार इसको ऐसा रोल कर लेंगे, देन ब्रेड क्रम में ऐसा कोट कर लेंगे। इसी तरह से हमारे सारे फिंगर्स को कोट कर हम साइड में रख लेंगे। एक फिंगर्स अच्छे से कोट हो चुके हैं, अब इसे डीप फ्राई करेंगे। ऑयल अच्छे से हॉट हो गया है, अब इसमें एक एक फिंगर्स डालेंगे। फिंगर्स अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमारा क्रिस्पी एग फिंगर सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।